Hello friends, myself Dr. Sushila Saini, gynecologist and obstetrician, director Jaipur Lubin Hospital. मैं हमेशा अपना इंट्रो इसी प्रकार देती हूँ कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि बेसिकली आखिर गायनेकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, व्हाट डज अ गायनेकोलॉजिस्ट डू, यानी कि किस किस प्रकार की बीमारियां एक गायनेकोलॉजिस्ट देखती है। अब गायनेकोलॉजिस्ट ही एक तो होता गायनेकोलॉजी, एक होता ऑब्स्टेट्रिशियन और एक होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और हम सब लोग जनरली ऐसा ही थे कि गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और अगर कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है तो अपने नाम के आगे लैप्रोस्कोपिक सर्जन ही लगाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एक गायनेकोलॉजिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में जो कॉमनली बीमारियां आती है, जो महिलाओं में होने वाली बीमारियां पाई जाती है, यानी कि जैसे कि महीने से संबंधित बीमारी हो सकती है, महीने का कम आना, ज्यादा आना, बार बार आना, क्लॉट्स आना, दर्द होना, ये सारी तकलीफें हो गई। दूसरा, महीने के आगे पीछे कोई ब्लीडिंग होती है या महीने के साथ कोई डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो डिस्चार्ज से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो गई, वजाइना से डिस्चार्ज आना, गंदा पानी आना, बदबू आना या और कोई तकलीफ होना। इसके साथ में तीसरी बीमारी हो सकती है कि पेटों के अंदर दर्द होना या फिर नीचे के अंगों में खुजली, जलन, परेशानी होना। इसके अलावा बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हो सकती है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर गांठ का होना, पॉलिप का होना, ओवरी से रिलेटेड समस्या हो सकती है कि कोई पीसीओडी हो सकता है या कोई सिस्ट हो सकती है, और बच्चेदानी के अंदर कोई कैंसर हो सकता है, ओवरी के अंदर कोई कैंसर हो सकता है या आजू बाजू के एरिया में ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ जैसे बच्चा नहीं करने की जो समस्याएं होती है, फर्टिलिटी रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर में आती है। अब बात करें कि ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट से ऑब्स्टेट्रिशियन ऑब्स्टेट्रिक्स में शिफ्ट हो जाती है। और ऑब्स्टेट्रिक्स का मीनिंग होता है कि प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी सारी की सारी ऑब्स्टेट्रिक्स में आती है, यानी कि प्रेगनेंसी होने से लेकर डिलीवरी होने तक। अब उसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या प्रेगनेंसी के दौरान कोई पेन है, ब्लीडिंग है, या बच्चा बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, घूम नहीं रहा है, या कोई दर्द आ रहा है, या और कोई तकलीफ हो रही है, तो सारी की सारी चीजें ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर काउंट होती है। तो यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या है प्रेगनेंसी होने के बाद में, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आगे गायनेकोलॉजी में, प्रेगनेंसी हो गई फिर ऑब्स्टेट्रिक्स में। इसी प्रकार यदि बच्चेदानी में प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कोई भी समस्या तो ऑब्स्टेट्रिक्स में ही जाएगी, बट जनरली गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एक ही बंदा होता है, एक ही पर्सन होता है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये एक समझाने के लिए होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी से जितनी भी बीमारियां संबंधित होती है वो सारी ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर जाती है और नॉन प्रेग्नेंट लेडीज की सारी बीमारियां गायनेकोलॉजी के अंदर जाती है। अब जब गायनेकोलॉजी में या ऑब्स्टेट्रिक्स में कोई ऑपरेशन हमें करना पड़ता है जो कि चीरे वाला हो सकता है या दूरबीन वाला हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में सर्जन सर्जरी कर सकता है, लेकिन जो महिलाओं से संबंधित बीमारी की जो सर्जरी है वो गायनेकोलॉजिस्ट ही करती है। अब उसमें जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन होगा, यानी कि जो दूरबीन के स्पेशलिटी में ट्रेंड होगा, वो लैप्रोस्कोपिक सर्जन होगा और वो ही गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन ही आपकी सर्जरी करेंगे, जिसमें कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट की हो सकती है, फाइब्रॉइड रिमूवल की हो सकती है, पॉलिप रिमूवल हो सकता है, या पीसीओडी से रिलेटेड कोई सर्जरी हो सकती है, या कोई कैंसर की सर्जरी हो सकती है, या कई बार जैसे ट्यूब के अंदर बच्चा लग गया या कोई बच्चेदानी के स्कार के अंदर बच्चा लग गया, जिसको स्कार एक्टोपिक कहा जाता है, या ट्यूबर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ओवरी के अंदर सिस्ट हो सकती है, तो ये सारी चीजें भी दूरबीन से ठीक हो सकती है और इन सबको गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन डील करता है। तो अभी यानी कि जैसे अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो महिलाओं से संबंधित जितनी बीमारियों की मैंने बात की है वो सारी हम लोग देख सकते हैं। प्रेगनेंसी अगर आपको नहीं हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट फर्टिलिटी डॉक्टर के अनुसार हम लोग दे सकते हैं। तीसरा, यदि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी डिलीवरी तक जो भी समस्याएं होंगी उसको सारी को हम लोग डील करेंगे। अब इन सब में कहीं पे भी अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और दूरबीन के ऑपरेशन की जरूरत है तो डेफिनेटली वी कैन डू इट, और इसीलिए हॉस्पिटल का नाम भी हमारा दूरबीन हॉस्पिटल ही है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि गायनेकोलॉजी से कोई संबंधित, जैसे कि महिलाओं की कोई भी संबंधित बीमारी है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च कीजिए और गायनेकोलॉजिस्ट में आप फिर उसकी डिग्री चेक कर सकते हैं कि एमएस है, एमडी है या एमएस गायनेकोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत से लोग महिला रोग विशेषज्ञ तो लिखते हैं लेकिन महिला रोग विशेषज्ञ होने का मीनिंग होता है कि मास्टर इन सर्जरी इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, दैट मीन्स कि आपके महिला रोग विशेषज्ञ तो हैं लेकिन साथ में आप पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, दैट शुड बी चेक्ड आउट। इसके साथ ही साथ यदि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन देखिए, जिससे कि
जो भी महिला डॉक्टर अगर आपका ऑपरेशन करती है यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट आपका ऑपरेशन करता है, आई डजंट मीन कि दैट सिर्फ फीमेल ही अच्छी गायनी डॉक्टर होगी, देयर इज अ वेरी गुड मेल डॉक्टर्स आल्सो, बट आप ये सर्च कीजिए कि गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन होंगे वो आपका कोई भी ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है कि बच्चा लगने के लिए या नहीं लगने के लिए क्या जरूरी है, आगे महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें सर्जरी के लिए सर्जरी के दौरान ध्यान रखनी होती है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आज चर्चा करी है कि गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हम गायनेकोलॉजिस्ट हम गायनेकोलॉजिस्ट हम गायनेकोलॉजिस्ट है, बट होता कौन है गायनेकोलॉजिस्ट, वो क्या क्या बीमारियां डील करता है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो से आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई बात दिमाग में अभी है जो मेरे वीडियो में क्लियर नहीं हुई है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं और मेरी टीम में से कोई भी आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।